हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे YouTube चैनल में होम गार्डनिंग में। और आज हम बात करेंगे कि सीडलिंग ट्रे से नर्सरी किस तरह से तैयार की जाती है। इन्हें सीडलिंग ट्रे भी कहा जाता है, प्रो ट्रे भी कहा जाता है, और इसमें ही नर्सरी तैयार की जाती है। ये देखिए, ये सारी सीडलिंग ट्रे हैं मेरे पास, लेकिन आज हम इस एक सीडलिंग ट्रे में आज लगाएंगे पौधे कि किस तरह से पौधे लगाए जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास होना चाहिए वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा और कोकोपीट। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप लगा लीजिए। ये देखिए, ये इसमें मेरे पास वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट दोनों मिक्स किया हुआ है। और हम बस कुछ भी नहीं करना है इसमें, आप इस तरह से इसको भर लीजिए, अच्छी तरह से इसको धीरे धीरे इसमें डालते रहिए और इसके जो ब्लॉक्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। और इस तरह से इस पर डालकर इस तरह से आप इसको इसमें फैला दीजिए, तो ये इस तरह से बिल्कुल धीरे 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 आपको करना है। ये आराम से बढ़ जाएंगे और बहुत ही अच्छे से, देखिए जल्दी ही ये फिल हो जाते हैं अंदर से। तो इसमें कोई आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस आप इस तरह से इनको थोड़ा सा करके आप दबा दीजिए। और ये देखिए कितनी आसानी से बहुत ही अच्छे से ये बढ़ चुका है। और भी इसमें हम खाली कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें और भी भर दिया है और धीरे धीरे इसको फैलाते जाएंगे तो इसके जो ब्लॉक्स हैं वो बढ़ते जाएंगे और हमारी सीडलिंग ट्रे कंप्लीट होती जाती है। बहुत इस तरह से आप धीरे धीरे इसमें ये कोकोपीट डालकर ऐसे फैलाते जाइए, ये अंदर फील होता जाएगा। और अगर दोस्तों बात करें हम खेत में या ज़मीन में इसके बीज लगाने की कोई से भी, तो वो हम दुकान से या कहीं से भी महंगे भाव से अगर खरीद के लाते हैं बीज, और अगर ज़मीन में लगाते हैं तो उसका रिजल्ट रहता है 50-60% उसका रिजल्ट रहता है, बाकी के सीड्स खराब हो जाते हैं उसमें। तो दोस्तों इसीलिए ये प्रो ट्रे या सीडलिंग ट्रे आधुनिक तकनीक है कृषि की। तो देखिए, इसमें आप जितने भी बीज लगाएंगे सारे बीज जर्मिनेट होंगे, एक भी बीज आपका खराब नहीं होगा, 100% इसकी जो है रिजल्ट रहता है। तो इसीलिए इस तरह से सीडलिंग ट्रे का उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, आज हम कुछ बीज लगा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें बीज लगा रहे हैं, ये देखिए तरोई का बीज है। ये तरोई का बीज हमने यहाँ पर लगाया है, एक दो, और ये पांच सीड हमने तरोई के यहाँ पर लगा दिए हैं। ये पांच सीड हमने तरोई के इसमें लगाए हैं और बाकी हम इसमें खीरा लगा देंगे। ये खीरे के बीज हम इसमें बाकी के लगा रहे हैं। इस तरह से आपको इस पे बीज डालकर इस तरह से बीज डाल देना है और बस कुछ भी नहीं करना, आप इसमें बीज डाल दीजिए और फिर थोड़ा सा इसको दबा देंगे तो फिर वो अपने आप ही इसमें सेट हो जाएगा। तो देखिए, ये तरीका है दोस्तों बीज लगाने का सीडलिंग ट्रे के अंदर। और सीडलिंग ट्रे के फायदे बहुत इसीलिए हैं क्योंकि आप इसको लगाने के बाद कहीं भी इधर से उधर ले जा सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर आप ज़मीन में पौधा लगा देंगे और उसको अगर बार बार आप निकालेंगे तो हो सकता है कि वो पौधा ख़राब भी हो जाए। तो इसीलिए इस तरह से सीडलिंग करके आप बहुत ही आसानी से इनको कहीं भी इधर से उधर भी कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती, सीडलिंग आपकी ख़राब नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको लगाया जाता है। बात करते हैं इसके मिक्सचर के बारे में, तो इसमें हमने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिक्स किया है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, अगर गोबर की खाद है तो वो भी दे सकते हैं, क्योंकि हम सब्जियाँ उगा रहे हैं इसमें और सब्जियाँ मार्केट में तो बहुत सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन वो सारी ऑर्गेनिक नहीं होती। हम घर पे उगाने का इसका रीज़न ये है कि हम ऑर्गेनिक चीज़ें हमें मिले, ऑर्गेनिक सब्जियां हम खा सकें,
उसके लिए हम इसमें ऑर्गेनिक ट्रे घर पे उगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। बाकी मार्केट से लाना हो, अगर इसमें अगर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करें तो फिर मार्केट से लाने में फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो अच्छा मार्केट से ही ले आए। फिर ये देखिए, ये और हैं, गलका तरोई हैं, आपको दिख रहा होगा कि इतने कलरफुल कैसे हैं सीड्स। तो इन पे जो एक लोशन चढ़ा होता है, इसका सीड ट्रीटमेंट किया हुआ होता है ऑलरेडी, जिससे कि इसमें सीड में फंगस नहीं लगे, उसके लिए इनको इसका सीड ट्रीटमेंट होता है। जहाँ से भी आप जो सीड्स जहाँ मिलते हैं शॉप पे, वहाँ से जब भी आप सीड्स खरीद के लाएंगे तो उसमें आपको ऑलरेडी इसका ट्रीटमेंट किया हुआ मिलता है सीड्स का, तो आपको अलग से इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बात करते हैं कोकोपीट के बारे में कि कोकोपीट क्या होता है। तो हम सभी नारियल तो यूज़ करते ही हैं, हमने कभी ना कभी नारियल पानी तो पिया ही होगा, या जब भी मंदिर जाते हैं तो, या फिर किसी को शुभकामना के लिए हम नारियल देते हैं। जी हाँ, वही नारियल होता है, नारियल के जो छिलके हैं उनको, छिलकों को कहा जाता है कोको हस्क, और उनको जब पाउडर बना दिया जाता है, बारीक पाउडर जब कर देते हैं तो उसको कहा जाता है कोकोपीट। तो ये वही कोकोपीट होता है जो कि नारियल के छिलके होते हैं। ये देखिए, अब हम इसमें ये, तो दोस्तों इस तरह से सीडलिंग ट्रे के अंदर आपके जो बीज लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आपके बीज ख़राब नहीं होंगे और आप 100% आप रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि आपके जितने भी आप इसमें बीज लगाएंगे सारे के सारे उग जाएंगे। तो इसीलिए आपका सबसे फ़ायदा ये है कि आपके बीज इसमें ख़राब नहीं होते हैं। और दूसरी बात, अगर आप ज़मीन में लगाएंगे तो पौधा इधर उधर से हिलाने पर उसकी जड़ें ख़राब हो सकती हैं, और हम इसको आसानी से कहीं भी इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश है तो आप इसको थोड़ा सा शेड में रख सकते हैं, और अगर बारिश नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। इस तरह से इसको रखा जा सकता है, ये इसका फ़ायदा है। और इसके अलावा बात करते हैं इसको किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए। तो मैं बता दूं, आप जब ये सीडलिंग आपकी तैयार हो जाएगी उसके बाद आप, आपके पास जिस तरह की मिट्टी हो उसमें आप इसको लगा दीजिए, बस उसमें आप खाद मिला दीजिए तो आपका पौधा अच्छे से चल पाएगा। देखिए, इस तरह से बीज लगाने के बाद कुछ इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा इनको हल्के हल्के हाथों से इसमें दबाते जाएंगे, जिससे कि बीज इसके अंदर सेट हो जाए और बार बार पानी गिरने पर हिले डुले नहीं। इस तरह से हमने इसको, सभी बीजों को दबा दिया है थोड़ा थोड़ा, और इस तरह से देखिए बिल्कुल धीरे धीरे से मैं दबाता जा रहा हूँ इनको, बीज को अंदर, कोकोपीट के अंदर। ये देखिए, ये जो हमने इसमें दबा दिया है सारे बीजों को, और इस तरह से आप अपनी सीडलिंग नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जो नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं वो इसी तकनीक से किए जाते हैं। ये आज की जो किसान है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद तकनीक है, जिससे कि उस किसान का वो भी फ़ायदा भी मिल सके। जितना भी आप सीड लगाएंगे उतना 100% रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, मैं आपको, इसकी सीडलिंग कंप्लीट कर ली है हमने और बीजों को अच्छे से हमने दबा दिया है, तो इससे होगा ये कोकोपीट का फायदा इसमें ये होगा। तो दोस्तों ये देखिए, अब इसको कंप्लीट कर लेने के बाद में हमें किसी भी स्प्रे बोतल पे, आपके पास चाहे जो है, जो सी भी स्प्रे बोतल हो, कोई सी भी स्प्रे बोतल हो, उससे आपको धीरे धीरे इस पे इस तरह से स्प्रे कर देना है, पानी दे देना है। आपको सीधा किसी डिब्बे से या किसी बोतल से सीधा पानी नहीं देना, इस तरह से पानी देंगे तो इसके सीड वगैरह हिलेंगे नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर।